हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा नथिंग टू ए फोन है, तो नथिंग टू ए फोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फोन की सेटिंग्स पे जाकर डाटा सेवर मोड को कैसे ऑन कर सकते हैं नथिंग टू ए फोन की सेटिंग्स पे जाकर, और डाटा सेवर मोड कैसे ऑन कर पाएंगे नथिंग टू ए फोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि डाटा सेवर मोड कैसे ऑनेबल कर सकते हैं, फिर ऑन कैसे कर सकते हैं, और इसका आप यूज़ कैसे कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन सब ऑन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से आपके फ़ोन में आ जाएगी। फिर इसमें से आपको जाना होगा नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स पे। तो नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स है आपके फ़ोन में शो कर जाएगी। तो आप इसमें कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में डाटा सेवर मोड को ऑन करेंगे, तो इस पे जाएंगे तो डाटा सेवर मोड शो हो जाएगा, जिसको आप कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हैं, और ऑन करके अपने मोबाइल डाटा को सेव कर सकते हैं नथिंग फ़ोन में। कुछ इस तरीके से डाटा सेवर मोड को ऑन करके आप डाटा सेवर को ऑन करके डाटा सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से भी डाटा सेवर सेटिंग्स पे जाकर डाटा सेवर मोड को ऑन कर पाएंगे। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। बस इस तरीके से सर्च करें डाटा सेवर, तो डाटा सेवर सेटिंग्स से आपके फ़ोन में आ जाएगी। यहाँ से भी डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाकर आप डाटा सेवर मोड को ऑन करके डाटा सेव कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।